देश का बड़ा हिस्सा इन दिनों भीषण बारिश का सामना कर रहा है। ऐसे में लोगों को जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। हालांकि प्रशासन संवेदनशील इलाकों पर नजर बनाए है और जरूरतमंदों तक तुरंत मदद भी पहुंचाई जा रही है। इस साल अच्छा मानसून खुशियों का पैगाम तो लाया, लेकिन कई जगहों पर मुसीबत का सबब भी बन गया। देश के कई इलाके भारी बारिश की वजह से जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। ऐसे में रेस्क्यू एजेंसी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जिंदगी बचाने के मिशन में जुटी है। ये तस्वीरें बिहार के बगहा की हैं, जहां खेतों में काम करने गए 50 से ज्यादा मजदूर बाढ़ के पानी में फंस गए। शनिवार सुबह ये मजदूर खेतों में काम करने गए थे, तभी अचानक गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया और ये मजदूर मुसीबत से घिर गए। बहरहाल सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुट गई है। दो इंजन लगी हुई काठ का नाव और दो एनडीआरएफ का रहा है कि प्रासी सीओ साहब से बात हुआ है, बगहा सीओ साहब से भी, और उन लोग के दिशा निर्देश में ये चारों नाव जा रहा है। मीठा चूड़ा व्यवस्था हम लोग कर दिए उन लोगों को खाने के लिए। अब पहली हमारी प्राथमिकता है कि लेडीज और बच्चे को लेकर आया जाए, अगर संभव हो सारे लोगों को तो लेकर आ जाएंगे। अगर दिक्कत होता है तो पहले इनको लेकर आएंगे और दूसरे शिफ्ट में जो बचे हैं जो जेंट्स को लेकर आएंगे। वहीं उत्तराखंड में चंपावत के बनबसा इलाके में नदी में फंसे लोगों के लिए एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर पहुंची और राफ्ट के जरिए 25 लोगों को रेस्क्यू किया। लगातार बारिश की वजह से उत्तराखंड की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, लिहाजा प्रशासन पूरी मुस्तैदी से हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर की हैं, जहां एनडीआरएफ ने 16 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाके से बाहर निकाल सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इस दौरान प्रशासन तमाम एहतियात बरत रहा है और लोगों से संवेदनशील इलाकों में नहीं जाने की अपील भी कर रहा है। बगहा से अभिषेक पांडे और चंपावत से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिहार के सुपौल में इन दिनों बाढ़ के बीच जिंदगी का जज्बा देखने को मिल रहा है। सैलाब के बीच भी जिंदगी का संघर्ष जारी है। यहां पर घुटने से ऊपर तक भरे पानी में लोग अपनी गृहस्थी बचाने में जुटे हुए हैं। जिंदगी की जीत का जज्बा लिए लोग यहां सैलाब को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर है बिहार के सुपौल की, जहां नेपाल के कोसी बैराज से छोड़ा गया पानी लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। लेकिन हौसले से लबरेज लोग घुटने भर से ज्यादा पानी में भी जिंदगी के सफर को चालू रखने में जुटे हैं। सैलाब के चलते सड़कें भी जलमग्न हैं, लेकिन अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोग बाढ़ के पानी से दो दो हाथ करने से नहीं डरते। बाढ़ के बीच दिक्कतों से लड़ रहे कई लोगों ने ऊंची जगहों पर शरण ले ली है, तो कई अब भी घर बचाने की जंग में जुटे हैं। बाढ़ में तैरती गृहस्थी और चूल्हे में भरा पानी, आंगन में बाढ़ के पानी से घिरा हैंडपंप, टोकरी की नाव के सहारे सैलाब का सामना करने की कोशिश। ये तस्वीरें लोगों के संघर्ष की कहानी को साफ बयां कर रही हैं। कोसी बैराज से 4 लाख क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा गया है और बैराज के 56 फाटक को खोल दिया गया है। नतीजा सैकड़ों गांव बाढ़ से घिरने को मजबूर हो गए हैं। उम्मीद है इन तक जल्द प्रशासन की मदद पहुंचेगी और इन्हें राहत मिल सकेगी। रामचंद्र मेहता, सुपौल, गुड न्यूज टुडे।